हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्स टाइम्स में। आप कैसे हैं बताइए, लिख के कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए 10,000 रुपये में, तो बेस्ट फ़ोन क्या है 10,000 रुपये में। तो बात करते हैं इस वीडियो में डिटेल में। तो आपको क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटा दबाओगे तो मेरा पहला पिक होगा रेडमी का फ़ोन। तो अगर रेडमी का फ़ोन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो 10,000 में, तो रेडमी का फ़ोन आपको मिल जाएगा। तो रेडमी का कौन सा फ़ोन आप लेंगे, तो रेडमी का फ़ोन लेंगे रेडमी का ही नोट 7। तो रेडमी का नोट 7 प्रो भी एक फ़ोन आता है, तो आप प्रो नहीं लेंगे, वो तो ज़्यादा प्राइस का हो जाएगा। तो मैं आपको रेडमी नोट 7 लेने का सजेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं रेडमी नोट 7 आपको पड़ेगा 10,900 रुपये के जैसा। तो आप देख सकते हैं 10,900 रुपये में रेडमी नोट 7 बहुत ही अच्छा फ़ोन है इस प्राइस में, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। रेडमी नोट 7 तो एक अच्छा फ़ोन हो ही गया। तो रेडमी नोट 7 के बाद अगर मेरा दूसरा चॉइस होगा तो मैं ख़रीदना पसंद करूँगा Realme 3। तो और मैं ये आपको सजेस्ट भी करूँगा, आप Realme 3 भी देखिए। Realme 3 में भी बहुत ही अच्छा एक प्रोसेसर अभी दिया गया है। तो हम देखते हैं Realme 3, आप देख सकते हैं ये प्राइस सेम है उनका, रेडमी नोट 7 प्रो का जितना प्राइस है, Realme 3 का भी सेम प्राइस है। फ़ोन भी अच्छा है, एक ही सेम प्राइस में आपको मिल रहा है, फ़ोन भी अच्छा है Realme 3। इसमें हीलियो का नया प्रोसेसर Helio P70 भी आपको मिलेगा। और रेडमी की बात करें तो रेडमी नोट 7 प्रो में आपको मिलता है क्वालकम स्नैपड्रैगन 660, दोनों ही बहुत अच्छे प्रोसेसर है, कोई भी बुरा प्रोसेसर नहीं है। तो उसके बाद मेरा थर्ड नंबर पिक, मतलब 3 वाला पिक होगा आसूस का एक फ़ोन, जो आसूस का एक फ़ोन है, सॉरी आसूस का एक फ़ोन है, तो आसूस का एक फ़ोन है आसूस जेन फोन। ये लोग बहुत बड़े अपने नाम रखते हैं इन फोन का, आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। तो अगर आपका प्राइस टाइट है तो आप प्रो M1 को देख सकते हैं। ये फ़ोन आपको अच्छे से किफ़ायती दाम में मिल जाएगा, 10,000 रुपये में मिल जाएगा। तो ये रोटेट करने को कह रहा है तो मैं स्क्रीन थोड़ा सा रोटेट करता हूँ गाइज। तो आप देख सकते हैं आसूस का फ़ोन ऐसा कुछ आपको मिलेगा। प्राइस आप देख सकते हैं कितना आपको प्राइस मिलेगा यहाँ पे। तो ये हो गया मेरा थर्ड पिक। तो ये थे चाइना के ब्रांड। तो अगर आप ले सकते हैं रेडमी का नोट 7 प्रो, या फिर Realme का 3, या फिर आसूस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1। पर अगर आपको सैमसंग ही चाहिए, आपको चाइनीज़ ब्रांड नहीं चाहिए, आपको डाटा लीक नहीं चाहिए, तो मैं आपको सैमसंग के दो फ़ोन आपको रिकमेंड करूँगा। तो पहले मैं बात करूँगा सैमसंग Galaxy A10 के बारे में। तो मैं फिर से कहूँगा कि सैमसंग के फ़ोन गेम खेलने में अच्छे नहीं हैं। 10,000 रुपये में आपको मिलेगा सैमसंग का A10। मैं पहले ही बता दूँ, आपको गेम नहीं खेलने पाएंगे। अगर आप मीडिया कंटेंट एंड मीडिया या फिर कोई वीडियो देखते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें करते हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ, ऐसा आपका कुछ फ़ोन मिलेगा। पर ये गेमिंग के लिए एकदम ही नहीं है गाइस। पर बैटरी मिलेगा, डिस्प्ले आपको अच्छा मिलेगा, फ़ोन बढ़िया है। अगर आपको सैमसंग ही चाहिए और कोई कंपनी नहीं चाहिए, तो मैं पहले आपको रेकमेंड करूँगा सैमसंग का A10, और उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूँगा सैमसंग का M10। तो दोनों ही फ़ोन एक ही तरह का फ़ोन है, आप देख सकते हैं आपको कौन सा चाहिए। प्राइसिंग 10,000 रुपये के अंदर है, एक 7,000 रुपये के में आपको पड़ेगा M10, जो आप देख सकते हैं प्राइसिंग 8,000 रुपये में। और M10 और A10 भी आपको 8,000 या फिर 10,000 के रुपए प्राइस के में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे A10 का प्राइस आपको मिल जाएगा, A10 आपको मिल जाएगा ऑलमोस्ट 8,990 रुपये में, और M10 आपको मिल जाएगा 7,990 रुपये में। तो हाँ दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, तो मैंने बोला कि अगर आप लेना चाहें तो। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, पहले मेरा फर्स्ट चॉइस है रेडमी नोट 7,
तो रेडमी की तरफ से ये फ़ोन आता है, बुरा नहीं होगा, ऑब्वियसली रेडमी की तरफ से आता है। उसके बाद मैं रियलमी की फ़ोन के बारे में बात करूँगा, तो रियलमी 3, इन दोनों का प्राइस इक्वल है, आप कोई भी ले सकते हैं, अपने आँख बंद करके पिक कर सकते हैं कोई भी फ़ोन। उसके बाद मैं आसूस का जेन फोन मैक्स प्रो M1 की बात करूँगा, ये फ़ोन भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, अच्छा है। और अगर आपको चाइनीज़ ब्रांड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सैमसंग ही चाहिए, तो आप A10 या फिर M20 की तरफ देख सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मैं मिलूंगा मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंजॉय गाइस, बाय।